हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्राई डॉट कॉम और आज मैं वीडियो फोर लेके आई हूँ प्लांट पैथो की और हमने तीन वीडियोस ऑलरेडी कवर कर ली हैं जिसमें हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है ये थर्ड वीडियो के बाद उसकी कॉन्टिन्यूएशन है फोर्थ वीडियो और आज हम डिसीजिज़ पढ़ेंगे और बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स में और सबसे पहले हम फंजी और एंटीबायोटिक्स वगैरह सब कुछ देखेंगे तो लेट्स स्टार्ट

और यहाँ पे लाइम की जगह पे बाय कार्बोनेट सोडियम बाय कार्बोनेट आ रहा है एंड इसमें जो कॉम्पोजिशन है सो so, ये भी आपको याद रखनी है इन दोनों की ठीक है एंड कॉम्पोजिशन आपको याद रखना है एंड दीज टू आर कॉपर फंजी उसके बाद ये है चौबिया पेस्ट और जिसमें कॉपर कार्बोनेट यूज होता है रेड लेड एंड रॉ लिंसिड ऑयल आता है ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए और आपको ये नाम पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लिटॉक्स इज एक कॉपर फनजी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है ये ठीक है सो उसके बाद हम बात करेंगे डाइथियो में और आपको था ये थीरम जो है दैट इज द फर्स्ट डाइथियो कार्बोमेट और जो कि एक सीड प्रोटेक्टेंट है हम सीड के ऊपर इसको यूज करते हैं देन इज जिनेब जिनेब इज अ अल एज वेल एज द फॉलियर जो फंजी है और ये फ्रूट्स में यूज होता है और इसका जो आप Z से ऐसे याद रखना है Z जो है ना वो जिनेब में Z है तो वैसे ही यहाँ पे Z वाला आएगा बिकॉज मैनकोजेब और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो तो M से मैनकोजेब और यहाँ पे भी M आता है तो इसका ट्रेड नेम जो है ये ट्रेड नेम्स है इसके बारे में आपको याद होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स इन एग्जाम्स दे डोंट आस्क यू लाइक सिंपली मैनकोजेब दे पुट दिस डाइथेन एंड यू गेट कन्फ्यूज ओके सो so, ये जो होता है mancozeb, इसकी फोलियर एप्लीकेशन होती है और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक प्लस मैंगनीज सो ये नाम से ही पता लग रहा है जैसे मैन ठीक है यहां से आप मैनकोजेब ठीक है जेब तो ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा तो उसके बाद आता है वेपम तो वेपम इज सॉयल स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है ठीक है और ये फनजी साइड भी है एनमेटी साइड भी है और हरबी साइड भी है तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सॉयल स्टरलाइजेशन में कौन सा यूज होता है तो ये हो गया तो so, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाएंगे आप देख लेना जिनेब जी, से क्वेश्चन बन सकता है मैनकोजेब से क्वेश्चन बन सकता है कैसे अप्लाई करते हैं जिनेब को हम सॉयल प्लस फोलियर दोनों और मैनकोजेब को फोलियर अप्लाई करते हैं ठीक है सो so, ऐसी चीज़ें इसको याद रखना है मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी है दैन इज़ बेन बेनजी मिडाजोल्स और जिसमें करबिंडाजम आता है और जिसका ट्रेड name विस्टन है और ये प्रोटेक्टेंट एंड रेडिकेंट की तरह काम करता है उसके बाद आते हैं बाकी के फनजी जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं जो डाइनो कैप है या फिर हम कैराथिन बोलते हैं दैट इज़ अ कंट्रोलिंग पाउडरी मेल ठीक है ऑक्सी कार्बोक्सिन इज प्लांट वैक्स एंड इसको ये रेस्ट को कंट्रोल करता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है उसके बाद कार्बोक्सिन दैट इज विवेक्स और जो कि स्मर्ट्स को कंट्रोल करना है दिस थिंगी मेटाजाइल जो है दैट इज रेडोमिलन एपरन एंड जो कि डाउनडी को कंट्रोल करते हैं उसके बाद हम अब बैक्टीरियल कंट्रोल करते हैं तो बैक्टीरियल में एंटीबायोटिक्स कौन से आते हैं जैसे सेप्टोमाइसिन आते हैं ठीक है तो ये एक सी प्रोटेक्टेंट है ठीक है और जो ऑक्सीडेट्रोसाइक्लिन है इसका दूसरा नाम इज टेरामाइसिन तो टेरामाइसिन इसका दूसरा नाम है ठीक है अब सेप्टेमाइसिन और टेरामाइसिन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एग्रीमाइसिन हो कहलाता है ओके सो ये आपको बैक्टीरियल और फंजीसाइड दोनों की कंट्रोल पता चल चुके हैं आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा आप अभी थोड़ा सा अगर आपको वैसे तो ये थोड़ा कॉमन है अगर नहीं भी याद हुआ तो आप इसको याद कर लेना ओके सो लेट्स अब एक्चुअली आपको पढ़ना वही है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो ही इंपॉर्टेंट है सो so, इसको हम ब्लास्ट ऑफ राइस को हम रिच मैन डिसीज क्यूँ बोलते सबसे पहले तो ठीक है ये आपको इसके जो रीजन है वो बताती हूँ बिकॉज इसमें ये डिसीज होती क्यों है दैट इज ड्यू टू दवी डोज ऑफ नाइट्रोजन ठीक है ज्यादा अगर आप नाइट्रोजन अप्लाई कर दोगे तो राइस में ब्लास्ट हो जाएगी ठीक है अब ज्यादा हो रहा है ना जैसे आप रिच मैन है ठीक है आप, आपके पास बहुत ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया जो आपके पास है आप सप्लाई कर पा रहे हो ठीक है सो दिस इज़ रिच मैन डिसीज जो ब्लास्ट उनके खेतों में होती है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है फर्टिलाइजर्स वगैरह को ठीक है और इसका जो मेन सिम्टम क्या है दैट इज स्पिंडल आई शेप बोर्ड शेप लीजन जो है वो आपको दिखेंगे इसी बात को आपको पढ़ना है बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको मैनकोजेब जो है उसक, इसका कंट्रोल है आप यूज कर सकते हैं और आपको पैथोजन जो है दैट इज पायरी कुलेरिया और पैथोजन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको तो हर पैथोजन को आपको अच्छे से याद करना है वैसे तो आपको याद होगा बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन बट स्टिल सुपायरिकुल एरिया अगर आपको पायरिकुल कौन सी सब uh, डिविज़न के बिलोंग करता है कुछ ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं वीडियो नंबर थ्री में मैंने आपको बहुत कुछ क्लियर करा था वहाँ पे आप टेबल भी बना हुआ है आप वहाँ पे जाके इसकी क्लासिफिकेशन देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन सा uh, सब डिविजन में आता है कैसा ऑर्गेनिज्म है सब कुछ पता लग जाएगा ओके सो नेक्स्ट डिसीज़ इज बैक्टीरियल डिसीज जो कि बी एल बी ऑफ राइस है और ये जेंथोमनास और ये हमने ऑलरेडी आई थिंक कर रखा है पिछली वीडियो में और इसको अब हम बोलते क्या है इसको बोलते हैं पुअर मैं डिजीज अब पुअर मैं डिसीज क्यों बोलते हैं बिकॉज दिस प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर अक्कर करती है बिकॉज ऑफ नाइट्रोन नाइट्रोजन डेफिशेंट सॉयल कंडीशन सो ये जो ब्लास्ट थी इसलिए इसको रिच मैन बोलते थे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी नाइट्रोजन की वजह से होती है और बी को हम पुअर मैन बोलते हैं बिकॉज ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट में होती है ठीक है और इसमें जो आपको क्रेसक ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेसक जो अपीयर होता है इन अर्ली स्टेज तो यहाँ पे प्लांट क्या होते हैं जल्दी विदर कर जाते हैं और ड्राई अप होते का मतलब है कि प्लांट जो है वो विदर कर जाएंगे और ड्राई अप हो जाएंगे ठीक है और आपको अगर इसको चेक करना है तो आपको बैक्टीरियल लूज टेस्ट करवाना पड़ेगा और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि बैक्टीरिया को अगर चेक करना है तो ऊज टेस्ट जो है उसके लिए होता है अगर आपको नहीं पता तो आप इसको याद कर लीजिए बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऊज टेस्ट हम किसके के लिए बैक्टीरिया के बैक्टीरिया को चेक करने के लिए हम जो है ऊज टेस्ट परफॉर्म करते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए सेप्टोसाइक्लिन ऑब्वियसली अब किलर डिसीज है तो हम सेप्टोसाइक्लिन जो है उसी को ही यूज करेंगे ओके okay, सो so, uh, so, बात करेंगे अबाउट डिसीज़ एंड टुंगरो एंड बीएलबी जो दोनों डिसीजेज हैं ठीक है दोनों ही किलर डिसीजेज बोलते हैं राइस की एंड दर हेयर इज ग्रीन लीफ ओपर जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और इसमें क्या होता है दैट देर इज येलोविंग फ्रॉम द टिप एंड मार्जनज एंड देर इज स्टंटल ग्रोथ एंड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरविटेंट इंटरवीनर क्लोरोसिस हो जाती है दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट तो मैंने जो जो हाईलाइट करा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है डाइजीनोन ठीक है लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है बिकॉज ये वायरस का कंट्रोल कोई होता नहीं है आप उसके वैक्टर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो ठीक है सो so आप ग्रीन लीफ ओपर के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं कार्बोफ्यूरोन यूज़ कर सकते हैं या फिर क्यूनोलोफोस यूज़ कर सकते हैं ऐसे इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर सकते हो इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए ठीक है अब हम बात करेंगे ब्राउन स्पोर्ट की तो ब्राउन स्पोर्ट को करता है कौन है एलमिंतोसपोरियम और इजी ठीक है और यहाँ पे लिप्टिकल स्पोर्ट्स जो आपको दिखने को मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर लिप्टिकल स्पोर्ट्स ठीक है और एग्रोसेन अब एग्रोसेन का भी ऐसा है कि एग्रोसेन इज नॉट दैट मतलब ये बैन हो चुका है ऑलरेडी तो ये भी कोई ज़्यादा अच्छा वो मेथड नहीं है जो यहाँ पे लिखा गया है और आप इसके लिए आ, ये वराइटीज लगा सकते हैं ठीक है ठीके? बाला कृष्णा एंड साबरमती ओके सो so, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप डाइथेन एम फोर्टी फाइव जो है उसको स्प्रे कर दोगे तो बहुत अच्छी ये हो जाएगी इसकी जो आ, जो है इसकी जो कंट्रोल है बहुत तो अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फॉल्स मट तो फॉल्स मट में क्या होता है smart, तो आपको मैंने ऑलरेडी स्वर्ट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि यो, जो ये यूस्टीलेगन होते हैं उन उनमें क्लेविसेप्स और इजी से टाइवी जो है इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है एंड जो कर्नल्स होते हैं वो लार्ज वेलविटी येलो ऑलिव ग्रीन कलर के हो जाते हैं इस चीज़ को याद रखना और उसके बाद आता है जिंक की डेफिशेंसी से खैरा डिज हो जाती है तो खैरा डिज जो होती है वो कैसे होती है जो स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम द बेस लीफ बेस से जो येलोविंग है वो स्टार्ट होती है एंड आपको कंट्रोल करने के लिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना ज़रूरी है दैट अगर आप फाइव के जी जिंक सल्फेट डालोगे तो आपको टू पॉइंट फाइव के जी जो लाइम है उसके साथ वो डालना पड़ेगा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है दैट एडीओ पंजाब में आया था क्वेश्चन ए एफ में तो नहीं आया बट आ सकता है तो एडीओ में क्वेश्चन ये आया था दैट uh, कितना केजी आप जिंक सल्फेट डालोगे तो कितना केजी आपको लाइम यूज करना पड़ेगा तो दिस वाज द क्वेश्चन जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है आपको मतलब कि इसकी जो वैल्यू uh, है ना उसको याद रखना है ठीक है बिकॉज ये ऑलरेडी एडीओ में आया हुआ है पंजाब एडियो में और uh, दिस इज जिंक सल्फ और अगर फाइव के जी आप जिंक सल्फेट डालो यूरिया टू परसेंट डालोगे तो ये चीज़ें ना याद रखनी है यूरिया के अमाउंट और लाइम की अमाउंट जो है अब आती है शीत ब्लाइट शीत ब्लाइट को कॉज कर्म करता है राइजोकटोनिया सोलनाई तो आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म तो नाम याद रखने ही रखने हैं और ये बिकेन और फुट डिसीज फुटरोट जो होती है दैट इज ड्यू टू जिब्रेला फ्यूजिकोराई ठीक है एक फंगस है जिससे प्लांट क्या होते हैं बहुत हाई हाई मतलब बड़े हो जाते हैं उनकी हाइट बड़ी होती है नॉर्मल प्लांट से ठीक है आपको अब नॉर्मल प्लांट्स जो है फील्ड में अच्छे से दिख जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर ए एफ ओ में उफरा डिसीज के बारे में पूछा था कि ये कौन सी डिसीज़ है दैट इट इज़ अ नैमाटोडल डिसीज और हो सकता है इस बार वो उबडेटा डिसीज़ के बारे में पूछ ले तो ये याद रखना है कि उबडेटा डिसीज इज़ एक्चुअली अ फंगल डिसीज़ और अगर आपको ये येलो डवार डिसीज आपको मैंने करवा दी है दैट इज की वजह से होती है और लीफ ऊपर इसके जो होते होते हैं हैं वो आ, है, ये हमने पिछली वीडियो में कर दिया था और दोबारा रिवाइज कर लेना पंसुक ए ड्राई फिजियोलॉजिकल डिसीज ठीक है और ग्रासी स्टंट भी हमने कर रखा है और इसका वेक्टर कौन है ये भी हमने कर लिया टूंगरों का वेक्टर इज ए ग्रीन लीफ ओपन और जो ग्रासी स्टंट होता है दैट इज ए वायरल डिसीज ठीक है इसके बारे में भी आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट अभी स्किप मत करना और मेरी बात सुन के जाना दैट अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है और हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज अप्रिशिएट करिए और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियोज में इंप्रूव कर पाऊँ और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ और अगर अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना ठीक है सो so इससे क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे हम बहुत अच्छा कर पाएंगे सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डिजीज़ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे एंड uh, थोड़े दिनों में पैथो खत्म हो जाएगी उसके बाद हम एंटोमोलॉजी एंटुमाल, uh, की भी एक दो वीडियोज़ हैं वो भी एक में एम सी क्यूज टाइप वीडियो हम लेके आएंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम वो स्टार्ट कर देंगे सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर